भिलारी के रोडवेज बस अड्डे परिसर में लगे सरकारी नल में से दूध निकलने की बात सुनते ही रोडवेज परिसर में लोगों का तांता सा लग गया। जब अभी तक न्यूज चैनल ने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की तो लोगों ने बताया कि यह एक प्रकार का चमत्कार है, क्योंकि दो दिन बाद गंगा स्नान है। नल से दूध निकलने की घटना को सुनते ही लोग दूर दूर से आकर नल से निकलने वाला दूध बतौर प्रसाद के रूप में भरकर ले जा रहे हैं। अभी तक न्यूज के लिए बिलारी से सुमित चौधरी की रिपोर्ट। ये अभी यहाँ पर बिलारियों बस स्टैंड पर किसी ने बताया नल में से दूध जैसा पदार्थ निकल रहा है, क्या पूरा मामला, क्या कहेंगे आप उस पर? मामला ये है भाई साहब कि यहाँ पे बिल्कुल सफेद दूध जैसा पदार्थ कह दो, जल कह दो, दो दिन बाद गंगा नहान है, हो सकता है ये गंगा नहान की वजह से ये हो रहा हो, मगर हम तो ये कहेंगे कि यहाँ पे गंगा जल निकल रहा है, दूध जैसा पानी निकल रहा है। और हमारे ये आवेदन सरकार से है, उत्तर प्रदेश सरकार के महादेव, मगर ये पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ से 50 मीटर दूर या 10 मीटर दूर शिव मंदिर है, यहाँ पे हमने कृष्ण जी को दूध भी पिलाया गया है और कृष्ण जी ने हमारा दूध भी पिया गया है। तो हमारे अनिल कुमार जी ये यहाँ पर अभी एक बात संज्ञान में आई है कि दूध निकल रहा है नल से, क्या पूरा मामला है? मामला ये है नल से दूध का प्रस्थान कर रहे हैं, मगर ये समझ में नहीं आ रही है, लोग आप बोतल लेके आ रहे हैं अपने घर से और भर भर के ले जा रहे हैं। अब ये तो आगे पता लगेगी, अभी तो लोग आने जाने में लगे पड़े हैं, अब इसके संज्ञान में जो जाँच होगी तब पता लगेगा इसका क्या है।